नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर योजना के विरोध को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की निरस्त ट्रेनें हुई बहाल। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने कहा, अब कहीं पर नहीं है विरोध की सूचना, सभी ट्रेनों का सामान्य रूप से हो रहा है संचालन। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, बाढ़ को देखते हुए सभी बंधों को करवाया गया है मरम्मत। बाढ़ प्रभावित गांव के लिए 270 नाव की गई है व्यवस्था। राहत सामग्री के लिए कर दिया गया है टेंडर। अब हर मंगलवार को नगर निगम में समाधान दिवस का किया जाएगा आयोजन। नगर निगम से जुड़ी नागरिकों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने दी जानकारी। बाढ़ की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने मंडल के सभी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बाढ़ के मद्देनजर सभी बंधों को ठीक करवाने और राहत सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सहित बाढ़ प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 64। CMO ने कोविड नियंत्रण से संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। SP ट्रैफिक और RTO द्वारा नर्सिंग की छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत किया गया जागरूक। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए दिलाई गई शपथ। गौवध में वांछित 25-25 हजार के इनामी दो अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बाई लेन को लेकर कई नागरिकों में जागरूकता की है कमी। बाई लेन को नहीं खाली रखने से होता है रोड जाम। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, बाई लेन को हमेशा रखे खाली, नहीं तो MB एक्ट की धारा में 10,000 रुपए का किया जाएगा चालान। महानगर में अब ई रिक्शा चलाने के लिए नगर निगम से लेना होगा NOC। नगर आयुक्त ने कहा, जल्द ही कार्यकारिणी की बैठक करके योजना को करवाया जाएगा पास। NOC लेने के लिए जमा करना होगा शुल्क। और पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर खराब टिकट मशीनों की जगह पर लगाया जाएगा नई टिकट मशीन। नई मशीनों को लगाने के लिए दिया गया है ऑर्डर। CPRO ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। पूर्वोत्तर रेलवे की अग्निवीर योजना के विरोध में निरस्त ट्रेन बहाल हुई, जिसके संबंध में CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अग्निवीर के विरोध की वजह से कुछ ट्रेनें निरस्त हुई थीं, लेकिन अब सभी ट्रेनें सामान्य हो गई हैं। उनका संचालन पूरी तरह से हो रहा है। अब कहीं पर भी किसी तरह की असुविधा नहीं है। अब सभी ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। कोई ट्रेन निरस्त नहीं है। कहीं पर भी किसी तरह के विरोध की सूचना नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, सर अग्निवीर के विरोध को लेकर कुछ ट्रेन निरस्त है, सर इस समय क्या स्थिति है? अभी स्थिति पूर्वोत्तर रेलवे में सामान्य है। सभी ट्रेनें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। सर जो ट्रेनें कैंसिल हुई थी, वो फिर से बहाल की गई हैं? ट्रेनें जो जब कैंसिल थी तो कैंसिल थी, अभी कोई ट्रेन कैंसिल नहीं है और इसके अकाउंट पर, और सभी ट्रेनें चल रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की मैं बात कर रहा हूं, और जब भी ट्रेनों का कैंसिलेशन संबंधी कोई सूचना रहती है तो प्रेस रिलीज के माध्यम से हम लोग जारी करते हैं। सर जो ट्रेनें कैंसिल है कब तक चलेंगी, जो कुछ दिन पहले कैंसिल हुई थी? वो केवल उन डेट्स के लिए कैंसिल थी। जो ट्रेन कैंसिलेशन के इंफॉर्मेशन जारी हुई थी यहाँ से, तो उस दिन के लिए जारी हुई थी कि 21 जून को ये ट्रेनें कैंसिल हैं या 20 जून को ये ट्रेनें कैंसिल हैं। आज की डेट में अभी कोई ऐसी प्रेस रिलीज नहीं जारी हुई है। तो ज़्यादातर ट्रेनें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि चल रही हैं। और कहीं से सर कोई विरोध हो गया कुछ ऐसी कुछ सूचना? कोई सूचना नहीं है, कहीं कोई विरोध की सूचना नहीं है और कोई भी असुविधा नहीं है। सभी ट्रेनें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं।
जिला प्रशासन की बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद के सभी बंधों को मई माह में ही ठीक करवा लिया गया है, लेकिन बाढ़ को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण किया जाएगा जो कि 35 हैं। इसके अलावा कुछ अति संवेदनशील हैं जिनसे जुड़े बंधों को ठीक करवाया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम से जुड़े सभी नालों की सफाई करवाई जा रही है जो PWD के रोड हैं, जिसमें पिछले साल लीकेज हो रहा था उसको ठीक करवा दिया गया है और गांव में बाढ़ से निपटने के लिए 270 नाव की व्यवस्था की गई है और जिन गांव में बाढ़ अधिक आता है वहां पर राहत सामग्री के लिए टेंडर करा दिया गया है, जिसकी निगरानी के लिए 86 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जिससे किसी गांव में सुविधा पहुंचाने में कठिनाई ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, हमारे जनपद में जितने भी बंधे हैं उसको चेक करा लिया गया है, मई में ही सभी की चेकिंग एक बार हो गई है। इसमें हम लोग दोबारा ड्राइव चलाएंगे, जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं जैसे अराउंड 35 के आसपास संवेदनशील पॉइंट्स हैं, 6-7 के आसपास अति संवेदनशील पॉइंट्स हैं, तो जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं उसको लोगों ने SDM के माध्यम से दोबारा क्रॉस चेक कराएंगे, तो अति संवेदनशील है वो हम लोग स्वयं भी देखेंगे और अगर उसमें कहीं किसी प्रकार का इश्यूज है तो उसको चेक कराएंगे। बाकी शहर में नाली नगर पालिका ये नगर पंचायत और नगर निगम के जितने भी वार्ड्स की नाले हैं उसकी सफाई कराई जा रही है और जो PWD के रोड्स हैं जिसको थोड़ा सा लास्ट ईयर लिंकेजेस के प्रॉब्लम रही उसको मैक्सिमम रिजॉल्व हो गया और जो CNDS के द्वारा भी अराउंड 6 किलोमीटर का नाला बनाया जा रहा है वो कार्य लगभग पूर्ण है, सिर्फ कुछ मोटर इंस्टॉलेशन के इशू हैं क्योंकि 2 दिन चलिए लगभग अपने जनपद में 270 के आसपास नाव जो सही अवस्था में उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसके आसपास जो बाढ़ राहत केंद्र बनने हैं वो भी जगह चिन्हित हो गए हैं, जैसे एक लेवल पे चेतावनी लेवल पे आएगा तो उसको तुरंत पंजीकृत कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त जो राशन बटने हैं उसके सभी प्रकार के टेंडर्स फाइनलाइजेशन स्टेज पे नेक्स्ट 2 से 3 दिन में होंगे। सर हमेशा कुछ गाँव बाढ़ प्रभावित रहते हैं, वो राहत सामग्री के टेंडर्स भी फाइनल हो गए हैं, जितने भी जो राहत यूनिट्स हैं जैसे SDRF NDRF उनसे भी बात हो गई और 12 बजे इस संबंध में कमिश्नर साहब के यहाँ बैठक भी रखा गया है, जो थोड़े मोड़े बीच के बॉटल नेक्स हैं उसको भी बात करके ठीक करा दी। महानगर के सभी नागरिक नगर निगम से जुड़े समस्याओं का मंगलवार को समाधान दिवस में निस्तारण करवा सकते हैं, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नगर विकास के दिए गए निर्देश अनुसार प्रदेश के सभी नगर निगम में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समाधान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं, जिसकी जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम से वार्ड के लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, जिसमें सड़क का निर्माण, खड़ंजे का निर्माण, हाउस टैक्स, पीने के पानी की समस्या को लेकर के समाधान दिवस में आकर के अपना प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, जिनकी समस्याओं को दर्ज किया जाता है और प्रयास किया जा रहा है कि तत्काल ही उनकी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए। यह एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें जनता की समस्याओं का निस्तारण करना संभव हो पा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आपके संज्ञान में है, माननीय कैबिनेट मंत्री नगर विकास विभाग के द्वारा दिए गए आदेशों के पालन के क्रम में प्रत्येक नगर निगम में प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समाधान दिवस मनाया जा रहा है और इसमें नगर निगम से जुड़े हुए समस्त अधिकारी मौजूद रहते हैं और इसमें इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग आते हैं अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर, बहुत से लोगों की जैसे सड़क नाली का निर्माण, सड़क का निर्माण, खड़ंजे का निर्माण, इंटरलॉकिंग का निर्माण, इसके अलावा किसी का अगर नामांतरण की समस्या है या हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, अगर वाटर लीकेज है आदि के संबंध में कोई भी बात होती है तो उसके संबंध में वो यहाँ पर आकर अपनी दरखास्त देते हैं, उनको दर्ज किया जाता है और कोशिश किया जाता है कि उसी को तत्काल ही उसका निस्तारण कर दिया जाए। चूँकि यहाँ पर नगर निगम से जुड़े हुए सभी अनुभागों के, जलकल के
अभियंता के सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं, तो कुछ देखने में आ रहा है कि जो समस्याएं आती हैं उनका त्वरित निस्तारण कर पाना संभव हो पा रहा है। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जो कुछ समस्याएं तत्काल निस्तारित नहीं हो पाती हैं तो कोशिश करते हैं कि 2-3 दिन के अंदर उसका समाधान हो जाए। और हम लोग जो सभी को अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो ये निस्तारण कर रहे हैं उस निस्तारण की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए, उसमें कोई भी सरसरी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। प्रयास है और इससे जो आम जनमानस की समस्याओं को निपटाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडल की बाढ़ की तैयारियों को लेकर आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी से जुड़े सभी बंधों को ठीक करवा लिया जाए, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय नहीं है और जिन गाँवों में बाढ़ आता है वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाने के लिए सभी जिले में अपने अपने जिलों का टेंडर कर लें। उन्होंने कहा गोरखपुर और संत कबीर नगर के बीच का जो एरिया है वह बाढ़ प्रभावित रहता है, जिस पर ध्यान देने के लिए आवश्यकता है। वहां पर नाव व राहत सामग्री की पहले से ही उचित व्यवस्था की जाए। इसके अलावा सभी जिले बाढ़ चौकी को एक्टिव कर लें, नाव की पर्याप्त व्यवस्था कर लें, SDRF NDRF की टीम को अलर्ट पर रखें, जिससे अगर अचानक कहीं बारिश होने से बाढ़ आ जाती है तो वहां पर राहत पहुंचाने में किसी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने मंडल के जो भी संवेदनशील व अति संवेदनशील बंधे हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करवा लिया जाए, क्योंकि बंधों के मजबूत ना रहने से गांव में बाढ़ आने की समस्या ज्यादा रहती है। इसलिए बंधों को ठीक करवाते समय फोटो और वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि यह पता चल सके कि कौन से बंधे का कितना काम पूरा हो चुका है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। जो राशन से संबंधित, तो राजेश क्या स्थिति है? बाकी क्या है? हाँ, तो उसको करा के, क्योंकि बजे क्या है, वैसे भी मेरा विचार बाई चांस की बात है, सर 4 साल बारिश देख चुका हूँ यहाँ पे, तो अलग अलग तरह के अनुभव हैं। वैसे गोरखपुर में खासकर जो संत कबीर नगर और जो हमारी राप्ती नदी के बीच का जो एरिया है वो गोरखपुर पूरा वो रहता है, तो उस जगह भी इस एरिया में आपको फील्ड में भी खूब निर्माण करना पड़ेगा। कुछ सहजनवा क्षेत्र से लेके जो है ये कैंपियागंज तक का जो रास्ता वाला जो है, तो थोड़ा सा उस में ही बाढ़ वाले में हम लोग भी कई बार गए हैं, तो मेन चीज है वहां पे भी रहता है राशन वासन की भी वितरण वाला भी हम लोगों ने किया, नाव वगैरह भी काफी कुछ गाँव तो नाव से ही चलते रहे पूरे एक एक महीने तक जो है कुछ जगह पर, तो थोड़ा सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वाला एरिया है तो वहाँ उस चीज की तैयारी वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी कुशीनगर में टैंकर वाली प्रक्रिया फाइनल हो गया, खुल गया सर हमारे। अच्छा, देवरिया में फाइनल हो गया। अच्छा, परमत हो गई होगी? हाँ है, तो पहले तो हमारे सिंचाई विभाग वालों की तरफ से इसकी लिस्ट होगी इन लोगों के पास, जो भी जितने भी संवेदनशील अति संवेदनशील जितने भी बंदे हैं, मैं समझता हूँ कि सब जगह की फोटो वीडियो जो भी ड्रोन के माध्यम से कई तरह की चीज़ें जो आजकल चल रही हैं तो उसकी वीडियो वगैरह सब अवेलेबल होना चाहिए ऐप, और आने अगर कहीं पे भी है अभी भी कुछ जगह पर बंदे का टूटने मतलब ऐसा कोई बिल्कुल कमजोर वाली स्थिति कोई ऐसा कोई नहीं, सभी ठीक हो गए इस समय तो। अच्छा, बाकी कुशीनगर का कुछ था जो पिछले साल वाला कुछ रहा था जो गंडक के बड़ी गंडक वाला बंदों की स्थिति भी ठीक हो गई? करेक्ट करा दिए गए, सब हो गए, बड़ी गंडक के सब ठीक है, महादेवा में प्रॉब्लम थी वो भी इस बार टेकअप कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए ज़्यादा के रिजर्व स्टॉक में जो चीज़ें भी रहती है और मतलब जिसमें वही है अपना जियो वैक्स वगैरह कर ले तो थोड़ा सा पता रहता है कि इमरजेंसी में कि आपके पास भी भरोसा रहता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब असली चीज़ रहती है कहीं पे कोई नाव वगैरह की भी आतरिया में है, अभी कभी कभी जो है बरज वाले क्षेत्र में नाव की जो पड़ जाती है हाँ बरज वाली जगह पे मत वगैरह जो भी नाव वगैरह की है वो तैयार हो रेडी हो, क्योंकि अब
स्मार्ट फोन आ ही गया है तो कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपदा में ही आ रहा है, तो कितने का उसका कोई टेंडर टाइप का हुआ या नहीं? नहीं सर, हमारे तो देवरिया जिले के रहने वाले सागी जी हैं जो सर डीआरएफ के चेयर में है। हाँ, तो उन्होंने सारे बिंदुओं पे डिस्कस किया है सर, और इसमें हमारे लगभग पूरे मंडल में 1,62,00,000 की जनसंख्या में लगभग 23,00,000 की पॉपुलेशन वाला एरिया ऐसा रहता है जो बाढ़ प्रभावित रहता है, खासकर हमारे महाराजगंज में नौतनवा और बताओ तो उसका क्या स्थिति है? गोरखपुर के जो क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे कटान था, स्पेशली जो आपका वहीं पे आप गए थे सर बनाना वाला, हाँ। सब प्रोजेक्ट हो गया, बस पास कोई दिक्कत थी सर, उससे कनेक्टिविटी कुदरिया मानी ना कभी लेट स्वीकृत हुआ है, सोनौली रोड से कनेक्टिविटी है वो भी सर कोई दिक्कत नहीं है, काम तेजी में है, लेट स्वीकृति मिली थी इसलिए सर 50% के आसपास उसकी प्रगति हो गई है। इसके अतिरिक्त था कौड़ी राम मलौली, मलौली गजपुर था वो भी सर बहुत सेंसिटिव था, बट किसी कारण से सर परियोजना उस पर थी नहीं हो पाई है, बट हम लोग सर उसको पूरा पहले से सर पिकअप किए हुए हैं, नयार फंड से ठीक कर लिए हैं, और चौरी चौरा में सर जो दिक्कत हुई थी वहाँ भी सर हमारी सारी परियोजनाएँ हो गई हैं, काम भी लगभग सुरक्षित लेवल से ऊपर आ गए। ऐसा नहीं, आप ये बताइए आपका कितना ये और जेई उस रास्ते में चले हुए हैं जो नीचे से सीपेज का चांसेस रहता है? जिस करोगे ठीक है वो पूरा टूट के निकल के ले जाते हैं, कितना आपका ये जेई इसने इसके ऊपर कार्य किया है और वो भ्रमण किया है और वो गारंटी से लिखित में दे सकते हैं कि मैं चाह रहा था सभी ADMs नोट कर लिए, आप कंसर्न XCN से और जेई से ठीक है यही से लिखित में ले लीजिए, हमने इस पूरे बंदे पे हमने भ्रमण किया है और नीचे लेवल तक मैंने चेक किया हूँ जी साहब, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये सारे हमने आइडेंटिफाई करा सारी बांध और रेकॉर्ड सारे आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि लोकेशन मेरे फोटोग्राफ उसका जी साहब मैं बता दूँ, पिछले बार भी मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने कहा था कि आप एक बार प्लानिंग आप कर लीजिए ठीक है, मैंने कहा था NRSC से बात कर लीजिए, उसका एक पूरा प्लानिंग तरीके से चलिए, अदरवाइज इट कैन नॉट बी डन, उनको भी एक बार आप चेक कर लीजिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ कुशीनगर से कौन आए हुए आप देख लो पाई डी एम सर मैच, कुशीनगर पर इश्यू भी यही रहता है और गोरखपुर में भी यही इश्यू रहता है, ठीक है वहाँ पे इश्यू यही था कि सीपेज नीचे से आना शुरू हुआ, तो पहला हमने एक ब्लॉक किया है तो फिर दूसरे जगह से सीपेज शुरू हुई ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है जो इंजीनियर्स है वो जनरली ऊपर की पोर्शन देख करके आ जाते हैं, नीचे लेवल दोनों साइड की नीचे लेवल पे क्या खुदाई हुआ है, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग को लेकर के भी यही इश्यू उठा था कि बंदे के बगल में ही माइनिंग हो रही है सर, उसके वजह से नेचुरली सीपेज के लिए एक मौका मिल जाता है, दिन का टाइम है, जो बंदे का दोनों साइड की नीचे लेवल का एरिया को एक बार पूरा भ्रमण करवा लीजिए, एंड दैट टू देयर आर टिपिकल प्लेसेस आपको पता है जहां पे बेंड होता है ठीक है, देयर आर सर्टेन एरियाज व्हिच आर वेरी ससेप्टेबल टू डैमेज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 64 हो गई है, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने अपने कार्यालय में कोविड नियंत्रण से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया, CMO ने सभी को निर्देश दिया कि कहीं पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में लगातार कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं, कोविड को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सालय के कोविड नियंत्रण अधिकारियों के साथ यह बैठक की गई है, जनपद में कोविड मरीज की संख्या 64 हो गई है, अगर जनपद में बाहर से लोग आ रहे हैं तो सैंपलिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिन्हित करके उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड की जांच कराएं और जो कोविड से संक्रमित हैं वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर आइसोलेट हो जाएं तथा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अभी तक टीका नहीं लगवाया
किया है वह जल्द से जल्द टीका लगवा लें ताकि जल्द से जल्द कोरोना को नियंत्रित कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, कोविड नियंत्रण को लेकर के बैठक की गई थी। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जनपद में 60 केसेस एक्टिव केसेस हो गए हैं और कल 19 केसेस निकले हैं, इसलिए चिकित्सालय की जो कोविड नियंत्रण की कोर कमेटी है इसकी बैठक की गई थी। इसमें जो हमारे स्पुटम सैंपलिंग के इंचार्ज हैं डॉक्टर AK सिंह साहब का सुझाव था कि फोकस सैंपलिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिन्हित करें और जो लोग सिम्टोमेटिक हैं उनको कोविड की दवाइयाँ दें। इसी सिलसिले में हम लोगों ने बैठक की थी और आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर निवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड की जांच कराएं और जो सिम्टोमेटिक हैं वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के कोविड की दवा लें और स्वयं आइसोलेट रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ की जगहों पर न जाएं, जिससे हम कोविड को नियंत्रित कर सकें। जिन लोगों ने टीका अभी तक नहीं लगवाया है वो टीका लगवा लें, जिन्होंने पहली खुराक लगाई है वो दूसरी खुराक लगवा लें, जिन्होंने दूसरी लगवाई है वो तीसरी खुराक लगवा लें। अपने नौनिहालों को 12 से वर्ष के जितने भी ऊपर के जितने भी नागरिक हैं सबको कोविड का टीकाकरण कराना चाहिए और सबको करा लेना चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर योजना के विरोध को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की निरस्त ट्रेनें हुई बहाल। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने कहा, अब कहीं पर नहीं है विरोध की सूचना, सभी ट्रेनों का सामान्य रूप से हो रहा है संचालन। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, बाढ़ को देखते हुए सभी बंधों को करवाया गया है मरम्मत। बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए 270 नाव की गई है व्यवस्था। राहत सामग्री के लिए कर दिया गया है टेंडर। अब हर मंगलवार को नगर निगम में समाधान दिवस का किया जाएगा आयोजन। नगर निगम से जुड़ी नागरिकों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने दी जानकारी। बाढ़ की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने मंडल के सभी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बाढ़ के मद्देनजर सभी बंधों को ठीक करवाने और राहत सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सहित बाढ़ प्रभावित गांवों में नाव की व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 64। CMO ने कोविड नियंत्रण से संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। SP ट्रैफिक और RTO द्वारा नर्सिंग की छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत किया गया जागरूक। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए दिलाई गई शपथ। गौवध में वांछित 25,000 के इनामी दो अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बायलेन को लेकर कई नागरिकों में जागरूकता की है कमी। बायलेन को नहीं खाली रखने से होता है रोड जाम। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, बायलेन को हमेशा रखे खाली, नहीं तो MB एक्ट की धारा में 10,000 रुपए का किया जाएगा चालान।
महानगर में अब ई रिक्शा चलाने के लिए नगर निगम से लेना होगा एनओसी। नगर आयुक्त ने कहा जल्द ही कार्यकारिणी की बैठक करके योजना को करवाया जाएगा पास। एनओसी लेने के लिए जमा करना होगा शुल्क। और पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर खराब टिकट मशीनों की जगह पर लगाया जाएगा नई टिकट मशीन। नई मशीनों को लगाने के लिए दिया गया है ऑर्डर। सीपीआरओ ने दी जानकारी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह व आरटीओ अनीता सिंह के नेतृत्व में स्कूल ऑफ नर्सिंग गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के सभागार में नर्सिंग की छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूक किया गया। यातायात का पालन करने व नशा मुक्ति में सहयोग करने के लिए शपथ दिलाई गई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इस सेमिनार में नर्सिंग छात्राओं को ट्रैफिक के रूल, रोड सेफ्टी और समाज में फैल रहे नशा के बारे में जागरूक अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि जहां भी रहे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें। कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि यातायात नियमों का पालन करें और हम ट्रैफिक पुलिस का मकसद चालान करना नहीं होता है, बल्कि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, जिसका हम लोग बखूबी से निर्वहन करते हैं। उन्होंने बताया कि देश में मादक पदार्थों का सेवन ज़्यादातर नई उम्र के लोगों द्वारा किया जा रहा है। ज़्यादातर शाम को लोग नशा के दौरान वाहन चलाते हैं, जिससे उनकी मानसिक क्षमता प्रभावित होती है और वाहन को सही ढंग से नहीं चला पाते हैं, जिससे दुर्घटना होती है। उन्होंने कहा कि शहर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। इस अवसर पर आरटीओ अनीता सिंह, यातायात निरीक्षक मनोज राय, स्कूल ऑफ नर्सिंग के एमडी आशुतोष मिश्रा तथा प्रिंसिपल लोरेटा याकूब, डॉक्टर प्रियंका सहित नर्सिंग की छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनीता सिंह ने कहा,
में सुनेंगे और अनुसरण करेंगे सर की बातों का। यह आप सभी के लिए बेहद काम अवसर है। ये जितने भी गर्ल्स हैं सभी लोग लड़कों हो या महिला हो गर्ल्स हो या बॉयज हो हेलमेट सबको पहनना जरूरी है। दस लाख कितना पैसा खर्च हो जाएगा फिर उस परिवार पर क्या गुजरेगी, 10 लाख रुपया कैसे इंतजाम किया है। तो हम लोग का यही आपने घर में परिवार में सबको बताइए कि आप जब है जानकारी है आरटीओ भी क्यों यहाँ पे है या ट्रैफिक यहाँ पे क्यों है। इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है सड़क सुरक्षा अभियान में। मैं बता दूँ देखिए आरटीओ मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। रीजनल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इवन गाड़ियाँ चल रही हैं आपका लाइसेंस है रजिस्ट्रेशन है गाड़ियों का ट्रांसफर है ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। साथ में हम लोग रूम पर जो अभियान चलता है गाड़ियों को बंद करना आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं तो भी हम उसका चालान करते हैं। इसलिए हमारा और एसपी ट्रैफिक सर का तो बहुत मेजर रोल है ट्रैफिक पूरी व्यवस्था का संभालना। तो हम वो अपने विभाग के बारे में बताएंगे आपको और मैं अपने तो हम लोगों का जो मेजर रोल है वो यही है कि हम आपको ये बताएं कि कैसे सड़क पर आप लोग सुरक्षित होकर चलना चाहेंगे। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ये एक मूल मंत्र है सड़क पे चलने का। और सड़क की सुरक्षा कैसे होगी जब आप अपने नियमों के प्रति जागरूक होंगे। अभी जो हमारे मनोज राय हैं इंस्पेक्टर ट्रैफिक वो बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेजेबल हैं बहुत जानकार हैं वो क्योंकि हर चौराहे पे देखिए आप लोगों को रोज फेस करते हैं हर चीज़ फेस करते हैं तो आपको बहुत इन्होंने बहुत बारीकी जानकारी दी कि किस तरह से आपको चालान से भी बचना चाहिए सुरक्षित कैसे चलना चाहिए। आप टू व्हीलर पे आप हेलमेट चला के चलिए फोर व्हीलर पे सीट बेल्ट चला के चलिए। ये तो शायद नियम ऐसे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में भी होंगे आपको चलते फिरते बैनर्स में भी दिखाई देते हैं और आते जाते बातों में भी कभी कभी ये चीज़ें आप आने लगे हैं कि देखिए सड़क सुरक्षा के अभी अभी अभियान चल रहा है या कुछ है बहुत ये भी देख लें वो भी देख लें बाइक है तो हम तेजी से स्पीड में चला लें लेकिन उनकी डेथ रेट भी यही है 42 माइक में कुछ बोल इसी एड्रेस के बारे में बताऊं। कल मेरे पास एक विचित्र प्रकार की एप्लीकेशन आई ये कंप्लेनेंट की जो कि एक प्रबुद्ध वर्ग से बिलोंग करते हैं एक प्रोफेशन है उन्होंने लिखित में मुझे एक एप्लीकेशन भेजी और उस एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा था कि ये बात सही है कि जब मेरा चालान हुआ तो मैंने हेलमेट नहीं लगाया था और हेलमेट मैंने पीछे मोटरसाइकिल की डिग्री में टायर रखा था। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को पर वो कह रहा मैं इस बात से हैरान हूँ कि 6:29 में उन्होंने शब्द लिखा कि मैं यूनिवर्सिटी टहलने गया इस रोड पर गया पर जो चालान का स्थान दिखाया गया है उस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा चालान गलत किया गया है निरस्त किया गया। तो उनका चालान वो गए थे यूनिवर्सिटी की तरफ टहलने के लिए प्रोफेशन आ गए और चालान होता हुआ कंट्रोल रूम में कैमरे में देखा कि हेलमेट लगता हुआ है सब मैंने लगाया है पर उनकी पूरी एप्लीकेशन में पीड़ा ये थी लिख भी रहे कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया था। इसके लिए हर दुर्घटना के लिए हम लापरवाही के लिए किसी एक डिपार्टमेंट को उसको नहीं रोक सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही है परिवहन विभाग की लापरवाही है सड़क विभाग की लापरवाही है। ऐसा क्षेत्र है अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है और सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम घर से अपने हमारे पेरेंट्स को ही सिखाते हैं हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटे टाइम से घर लौटना है समय से निकलो समय से ट्रेन पकड़ो सड़क पर देख के आपको रोड क्रॉस करना है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि बाएं देखिए दाएं देखिए एक बार फिर बाएं देखिए
उसके बाद लोग व्यवस्थित है। तो हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं और अपने अधिकारों को भी नहीं समझते हैं। अधिकार कर्तव्य दोनों से हम लोग विमुख और वंचित होते जा रहे हैं और हम केवल दोषा रोपण पर ध्यान देते हैं कि फलाने बहन की लापरवाही है, फलाने की लापरवाही है। पूरा इस चर्चा का केंद्र बिंदु एवेलेशन केंद्र बिंदु हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट रहता है। हेलमेट किस काम के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, पर आप लोग क्यों लगाते हैं उसके लिए? हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे, ना कोई मैसेज भेजेंगे और ना देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज गंगोत्री देवी स्कूल ऑफ नर्सिंग और गंगोत्री देवी महाविद्यालय इस कार्यक्रम में नर्सिंग की छात्राओं के लिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में और जो समाज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो ड्रग्स बच्चों में फैल रहा है उससे होने वाले नुकसानों के बारे में बच्चों के लिए, बच्चों में जागरूकता अभियान चलाया गया, बच्चों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया और ट्रैफिक रूल्स का पालन करवाने में उनकी क्या समाज में भूमिका हो सकती है इस बारे में बच्चों को बताया गया और सभी बच्चों से अनुरोध किया गया कि अपने परिवार में या अपने कार्यस्थल में जहां पर भी रहें ट्रैफिक रूल्स का पालन कराने के लिए स्वयं भी पालन करें और सभी के लिए सचेत भी करें और सभी को सजेस्ट करें। सभी के सहयोग से ही एक बढ़िया यातायात व्यवस्था दी जा सकती है और हम बेहतर और सुरक्षित गोरखपुर की कल्पना कर सकते हैं। इसमें सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है। आज गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज गंगोत्री देवी में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हम लोग ने एक संयुक्त अभियान चलाया था जिसमें उनको सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया, साथ ही नशा मुक्ति और उनको परिवहन से रिलेटेड और एसपी ट्रैफिक विभाग से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई। बच्चों को क्वेश्चनायर का एक वक्त दिया गया, प्रश्न पूछने का भी मौका दिया गया, अगर उनको कोई भी इंक्वायरी हो हमारे जो हमने उनको बताया है या उनको विभाग से रिलेटेड कोई जानकारी हो उसके लिए भी उनको हमने जागरूक करने के लिए और उनको मौका दिया कि वो हमसे इंटरेक्ट कर सकें। एक बहुत अच्छा सेशन था और इसके लिए उनके प्रधानाचार्य को, व्यवस्थापक को मैं धन्यवाद देती हूँ कि नर्सिंग कॉलेज जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे जो महिला महाविद्यालय है उसमें हमें आने का मौका मिला और उनको हमें जागरूक करने का भी मौका मिला, जिसकी वजह से ये प्रोफेशनल कोर्स करने वाली जो महिलाएं हैं वो जब भी भविष्य में आगे बढ़ेंगी तो सड़क सुरक्षा के नियमों को अपने परिवार और अपने परिजनों को बता देंगी और इसको आगे बढ़ाएंगी और जन सहयोग का सहयोग देंगी। इसी अपेक्षा के साथ आज हम ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। आरटीओ और ट्रैफिक के बारे में क्या बताएंगे? किसके लिए? आरटीओ और ट्रैफिक। अच्छा, आरटीओ विभाग के बारे में उनको लाइसेंस से संबंधित और रजिस्ट्रेशन विभाग से रिलेटेड, इन्फोर्समेंट से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई और परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा
के अभियान में क्या रोल है ये भी उनको बताया गया। साथ ही उनको ये भी बताया गया कि कभी भी किसी भी आवश्यकता पड़ने पर एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा, उस नंबर पे 1800 1851 नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कभी भी विभाग से रिलेटेड, चाहे पूरे यूपी में किसी भी विभाग किसी भी जिले से रिलेटेड कोई भी काम हो उस पर वो फ़ोन करके हेल्प मांग सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं, ऐसी उनको आरटीओ विभाग से रिलेटेड जानकारी दी गई। शाहपुर पुलिस ने गौवध में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को लाला बाजार चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान विशाल चौहान पुत्र स्वर्गीय अजीत चौहान निवासी जंगल अहमद शाह टोला शाहपुर थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर, दूसरा सुमित कुमार निषाद पुत्र शिव कुमार निषाद निवासी जंगल धूसड़ हसनगंज थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था जो कि वांछित चल रहा था, जिनके ऊपर 25,000 का इनाम था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक कुंवर गौरव सिंह, संतोष सिंह, रामानुज सिंह यादव, राकेश कुमार कांस्टेबल राकेश कुमार, दिलीप कुमार यादव, प्रमोद यादव शामिल रहे। बाय लेन को लेकर कई नागरिकों में जागरूकता की कमी है और बाय लेन को खाली नहीं रखने से रोड जाम होता है। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बाय लेन को लेकर नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बाय लेन को हमेशा खाली रखें, क्योंकि बाय लेन बाधित होने से रोड जाम होता है और अगर किसी व्यक्ति को या एम्बुलेंस को जल्दी से अस्पताल पहुँचना है तो वह समय से नहीं पहुँच पाता है, इसलिए बाय लेन को हमेशा खाली रखें। यदि कोई व्यक्ति बाय लेन में अपना वाहन खड़ा करता है या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो उसके वाहन का 10,000 रुपये का एमबी एक्ट की धारा में चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाय लेन को खाली रखना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा फ्री रखना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। बाई लेन को फ्री पैसेज इसलिए रखा जाता है कि जिनको लेफ्ट टर्न मुड़ना है
कम से कम वन थर्ड या वन फोर्थ लोग होते हैं जिन्हें पहले स्टॉप पर ही लेफ्ट टर्न मुड़ना होता है, तो वो बहुत आसानी से चले जाएंगे तो चौराहे पर प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है, और जो लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार बाई लेन अवरुद्ध करने का चालान किया जाएगा MB एक्ट की धारा में। इसके अतिरिक्त हम इमरजेंसी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के लिए भी हम बाई लेन से ही पास करते हैं, तो एम्बुलेंस का रास्ता अवरुद्ध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अतः मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि सब लोग बाई लेन को खुला रखें, जिससे कि चौराहों पर ट्रैफिक सुगमता से चलता रहे और सभी नागरिकों को आने जाने में सुविधा महसूस हो। महानगर में ई रिक्शा चलाने के लिए चालकों को नगर निगम से NOC लेना होगा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त विनाश कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ सहित अन्य शहरों में ई रिक्शा संचालन के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसको देखते हुए जल्द ही नगर निगम के द्वारा ई रिक्शा चालकों को निगम से NOC लेना होगा, जिसके लिए ई रिक्शा चालकों को संचालन शुल्क जमा करना होगा, जिसको लागू करने के लिए नगर निगम की कार्यकारिणी में रखा जाएगा। इस सभी पार्षद व महापौर से बैठक करके चर्चा की जाएगी और बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे नगर निगम को आर्थिक आमदनी होगी, जिससे महानगर के सड़कों लाइट को ठीक करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, अभी लखनऊ और अन्य शहरों में जैसे ई रिक्शा संचालन के संबंध में जो एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी, नगर निगम गोरखपुर भी इस बात पर विचार कर रहा है कि हम लोग जो है ई रिक्शा के संचालन के संबंध में पहले उनको नगर निगम से NOC लेनी होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और उसके लिए उन्हें संचालन शुल्क जमा करना होगा। लेकिन इसके पहले चूँकि एक नई प्रक्रिया है तो इसको हम अपनी नगर निगम की कार्यकारिणी के समक्ष पहले रखेंगे और तो माननीय मेयर साहब और सभी सम्मानित पार्षदगण उनसे इस मामले में हम लोग गंभीर रूप से विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद जैसी सहमति बनेगी उसी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये ज़रूर है कि जहाँ इससे हम लोग को नगर निगम को एक अच्छी आर्थिक स्रोत प्राप्त होगा, एक आर्थिक रूप से समृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर जो इस पैसे के आय होने से जो हमारे शहर की जो विभिन्न सड़कें हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं या जो अन्य यातायात से जुड़े हुए जो अन्य चीज़ें हैं उनके रख रखाव में देख रेख करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्राप्त होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर खराब टिकट मशीन के जगह पर नई टिकट मशीन लगाया जाएगा, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर टिकट मशीन लगी हुई है। कुछ स्टेशनों पर मशीनों के खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से तीनों मंडलों में सर्वे कराया गया है। जो भी खराब मशीनें हैं उनके जगह पर नई मशीन लगाने का ऑर्डर दिया गया है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद से नई मशीनों स्टेशनों पर लग जाएंगे। लेकिन नागरिकों की सुविधाओं के लिए टिकट काउंटर चल रहा है, जिससे कि नागरिकों को टिकट खरीदने में किसी तरह की असुविधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, सभी प्रमुख स्टेशनों पर ATVM ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है। कुछ स्टेशनों पर कुछ मशीनों के खराब होने की शिकायत थी, जिसके बाद से तीनों मंडलों में इसका सर्वे कराया गया है और जो भी खराब मशीनें हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नई मशीनों का ऑर्डर किया जा रहा है और शीघ्र ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद से नई ATVM मशीनें स्टेशनों पर लग जाएंगी। सर कब तक
शीघ्र ही लग जाएंगी। एग्जैक्ट डेट बताना अभी मुश्किल है, बट प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऑलरेडी वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। पहले से ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जो हैं वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे। कुछ ख़राब हैं जिनको रिप्लेस किया जा रहा है, बाकी जनरल के टिकट काउंटर्स भी हैं वो भी कार्य कर रहे हैं। नई मशीनें शीघ्र ही आ जाएंगी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर योजना के विरोध को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की निरस्त ट्रेनें हुई बहाल। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने कहा, अब कहीं पर नहीं है विरोध की सूचना, सभी ट्रेनों का सामान्य रूप से हो रहा है संचालन। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, बाढ़ को देखते हुए सभी बंधों को करवाया गया है मरम्मत। बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए 270 नाव की गई है व्यवस्था। राहत सामग्री के लिए कर दिया गया है टेंडर। अब हर मंगलवार को नगर निगम में समाधान दिवस का किया जाएगा आयोजन। नगर निगम से जुड़ी नागरिकों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने दी जानकारी। बाढ़ की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडल के सभी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बाढ़ के मद्देनजर सभी बंधों को ठीक करवाने और राहत सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सहित बाढ़ प्रभावित गांवों में नाव की व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 64। CMO ने कोविड नियंत्रण से संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। SP ट्रैफिक और RTO द्वारा नर्सिंग की छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत किया गया जागरूक। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए दिलाई गई शपथ। गौवध में वांछित 25-25 हजार के इनामी दो अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बाय लेन को लेकर कई नागरिकों में जागरूकता की है कमी। बाय लेन को नहीं खाली रखने से होता है रोड जाम। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, बाय लेन को हमेशा रखे खाली, नहीं तो MB एक्ट की धारा में 10,000 रुपए का किया जाएगा चालान। महानगर में अब ई रिक्शा चलाने के लिए नगर निगम से लेना होगा NOC। नगर आयुक्त ने कहा, जल्द ही कार्यकारिणी की बैठक करके योजना को करवाया जाएगा पास। NOC लेने के लिए जमा करना होगा शुल्क। और पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर खराब टिकट मशीनों की जगह पर लगाया जाएगा नई टिकट मशीन। नई मशीनों को लगाने के लिए दिया गया है ऑर्डर, CPRO ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।